Hello everyone, welcome to the Parshala Monetization. Today I am going to solve question D, class 10th, Odia medium, mathematics, Parimiti by Mensuration chapter, geometry exercise 5F, question number 5 ko solve question D. Okay? So question number 5 re kon kale dekho goti golokaro prushtatala ra khetrapala jodi 616 barga centimeter hochi tahale tara ayatana ko determine karo. Amane kon janchanti goti golokaro prushtatala ra khetrapala hochi 4 pi r square hagne. This much is equal to 616 amku deichi tale e through amane r value find out kar de pariba. Once amane r ko find out kar dile amane tara ayatana ko determine easily kar pariba kahina ayatana is nothing but 4 by 3 pi r cube. Eta kon golokaro ayatana thik achi ne. So, given the 4 pi r square equal to 616, pi is equal to 4 into 22 into r square is equal to 616. If you cancel out, you will see 56. Again, 28. 7. R square equal to 7 into 7. So, r square value 7 into 7, r equal to 7. तो हमने पाई गले r equal to 7. अभी देखो, हमने 4 by 3 pi r क्यों हमको find out कर रहे थे? What we know is 4 pi r square equal to 616. हाँ ग्रे. अभी इतने जो दिमो 3 को divide और r को multiply कर दे, भी मतलब कौन मिल जीवा 4 by 3 pi r cube. हाँ ग्रे. तो 4 by 3 pi r cube है जीवा 616 रे मो 3 को divide और r को multiply. R value कितना जीवा है? 7 तो 7 को multiply कर दा. 616 into 7 divided by 3 मतलब हमारा answer दे दो. तो 616 into 7 is 4312 divided by 3 is 1437 पूर्ण 1/3 घन सेंटीमीटर मुझे लगे ने सिंपल नेक्स्ट बिट देखो बिट नंबर 2 रे कौन कहला गोटे गोलाकार पृष्ठतल रे क्षेत्रफल यदि 5544 वर्ग सेंटीमीटर होची तारे तारे वैसा देखे दे डिटरमाइन करो बोली कहला पूरा पूरे सिंपल 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 5544 दे दीची इथरो हमको r वैल्यू को फाइंड आउट करया छी पाई r वैल्यू कौन पकेवा 22 डिवाइड बाय 7 तो 4 into 22 divided by 7 into r square is equal to 5544. Calculation को simplify करियो है, एगर एगर ले 2, एगर एगर ले ये जिवा 5,4. अगरे, एगर नी 2 रे कट जिवा, 2 रे कट ले कौन है जिवा 252. 252 एगर 4 रे कट जिवा, 4 रे कट ले कौन है जिवा 63. तो r square equal to हमने पाया गले 63 into 7. अभी देखो 63 को हमें लिख पर यो 9 into 7, 7 वा दे सटी, अगरे. तो 9 into 7 into 7 पाया गले हमने r square. तले r equal to कौन है बा a जिन्स और square root हवा, अगरे. तो 9 रो स्क्वायर रूट इज 3 और 7 इनटू 7 रो स्क्वायर रूट इज 7 तो r इक्वल टू हमने कौन पाए लिए 21 सेंटीमीटर मुझे ला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया थिला आशा करू तुम्हारे बहुत बल से बुझी पारी थी बस स्टिल यदि किसी भी डाउट है निहति कमेंट सेक्शन में लिखी जाने ता से हमर चैनल एंटर कंटेंट पर जो तुम्हारे किसी भी सजेशन में फीडबैक था ताको भी कमेंट सेक्शन में लिखी की जाने बिफोर आई कंक्लूड डी टाइम से करियो जों जी फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज 5f नारे मोडी YouTube प्लेलिस्ट क्रिएट कर छी जो तुम्हारे एक्सरसाइज रो सब क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियोस को उड़े जा रहे पाई परियो सेकंड थिंग इज स्पीड कैलकुलेशन नारे मोडे YouTube प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर छी एथे मो डिफरेंट मेथड्स एंड ट्रिक्स को डिस्कस कर छी जहा द्वारा तुम तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड को बढे परियो एज यू ऑल कैन सी परिमितर मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड था और से फिर जहां भी डिफिकल्टी हमने फेस करन दी जहां भी हर्डल्स हमने फेस करन दी कैलकुलेशन को नेकी ही था यदि हमर कैलकुलेशन स्पीड भलो अछि यदि हम कैलकुलेशन भलो से करि परु छथि तले परिमितर क्वेश्चन हम पे बहुत ही सिंपल आउ इजी हे जथे हगरे तो से इनसे रखि आखि अगर रखि कि मो स्पीड कैलकुलेशन सीरीज तक को स्टार्ट करै छी मेक श्योर तुमने एको बहुत भलो से फॉलो करछ बट दैट बीइंग सेड थैंक यू अगेन फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन